हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है आप इंटरनेट में अपना फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप अपने फ़ोटो को इंटरनेट में अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो अपने फ़ोटो को इंटरनेट में कैसे अपलोड किया जाता है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और इस वीडियो को देख के आप भी अपना फ़ोटो को इंटरनेट में अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना ले तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अपने फोटो को इंटरनेट में अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है google.com। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम google.com टाइप कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर google.com टाइप कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। और google.com को सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप राइट साइड में देख सकते हो 3 डॉट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए तो डेस्कटॉप साइड, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइड कर लेना है। और डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो इमेज। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और इमेज में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैमरा पर क्लिक कर देना है, और कैमरा में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपलोड एंड इमेज। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड एंड इमेज पर क्लिक कर देना है, और अपलोड एंड इमेज में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चूज फाइल। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके अपने गैलरी से अपना फोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं गैलरी से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, और चूज फाइल में क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी के अंदर आ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको गैलरी से अपना फोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे ही देख सकते हो मेरा फोटो जो है अपलोड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने फोटो अपना सिलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो अपलोड फाइल, और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है फोटो अपलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से अपने फोटो का इंटरनेट में अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हो मेरा ओरिजिनल पिक है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस तरह से अपने फोटो को इंटरनेट में अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से अपने फोटो को अपलोड करके अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इस जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नई नई जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।